शायद मेरा पानी तो गर्म ही नहीं हुआ कख भी। यार ये क्या है, तुमने फिर से दोबारा सब कुछ बिखेर दिया। चम्मच के साथ क्या नाप मतलब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। मैं अभी जिस सुबह उठी हूँ और ये देखें मेरा बिस्तर रजाई ऐसे की, आप मेरी तरफ क्या देख रही हैं, ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है। और ये मलाइका इस वक्त सुबह ही सुबह अलमारी में घुसी थी। तुम क्या कर रही हो लटक लटक कर। कपड़े ढूंढ रही हूं, कबाब की जा रहे हैं। रेस्टोरेंट का नाम तुमने बताना जरूरी था। नहीं बताना। वापस कर रही बस। ठीक है ठीक है, वैसे भी मैंने बताना था पर मैंने कहा सरप्राइज दे दूंगी, मगर इसको हर सरप्राइज जो है ना खोलना होता है। ये क्या है दस्तरखान, ये देखें इसने निकाल के दस्तरखान। जब खाना बिछा खा रहे होते तब नहीं बिछा हुआ। खैर हाँ अच्छा हुआ ख्याल आ गया कि सारी अलमारियां तुमने खोली हैं। खैर यार अभी मैं जो हूँ ना, मैं सोच रही हूँ मैं अभी उठी हूँ, अभी सबसे पहले मुंह धो लूँ। मुंह भी नहीं धोया मैंने। ये क्या है गंदम सुबह सू, ये हाथ धोगे यार हमारी माँ खुद क्या है बोल के बैठती है। अब मतलब आज कोई काम नहीं था तो आपने गंदम वाला काम निकाल लिया। इसलिए कि आटा खत्म हो रहा है, गंदम जरूरी है। हद हो गई यार। एक तो मतलब मैं गाइस अभी हमने नाश्ता करना है, लेकिन उससे पहले मैंने मुंह धोना है, अपना हुलिया ठीक करना है। ये जो कपड़े शपड़े मैंने अभी इस वक्त पहने हैं, तो भाई अभी हम रजाई से उठते हैं। अलमारियों में ये घुसी पता नहीं आज के आज ही इसने सारे कपड़े निकालने। ओके गाइस ये मैंने अपना बिस्तर कर दिया है बिल्कुल ठीक ठाक चकाचक फिटफाट। और मैंने ना इस वक्त शाल अपने इर्द गिर्द लपेट ली क्योंकि आज मौसम हो रहा है बड़ा ही कुछ सर्द। मैं आपको नजरा पर्दा हटा के अगर देखती हूँ नजारा हो सके तो करवा दूं। और मेरी मुंह धोने की हिम्मत ही नहीं हो रही। बाहर चलते हैं, बस हम लाइट्स ऑफ कर देंगे, चलते हैं बाहर। ये क्या कर रही हैं आप? गंदम साफ कर रही हूं। माय गॉड वाली है ना। अच्छा और तो ठंडा पानी। ओके गर्ल्स मैंने मुंह शू धो लिया है। टाइम इस वक्त हो रहे हैं 12:10 और हम जी पधारेंगे अपने किचन में। ओह माय गॉड यहाँ तो मलाइका मासी पहले से लगी हुई है क्योंकि आज हमारी मेड नहीं आएगी। क्या बोल रही है मम्मा, पूछो क्या बोल रही है, आवाज नहीं आ रही मुझे। मम्मा क्या बोल रही है, आवाज नहीं आ रही। हाय मेरा दिल कर रहा था आज हलीम का नाश्ता करूँ, लेकिन देखते हैं तुम ये समेटा समोटी जल्दी करो भाई क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है अपना, जल्दी करो। आराम से क्या मैं भूखी मर जाऊं क्या? नाश्ता मैंने बनाना है, कोई सर पे सवार बड़ा मजाक मैं भी नहीं कर रही क्योंकि मुझे वाकई बहुत भूख लग रही है। 12:10 हो गए, मैं अभी नाश्ता करूंगी फिर जाके मेरे शाम को कुछ खाने के लिए पेट में जगह बनेगी। बेटा जल्दी रगड़ो, जल्दी धो, जल्दी खत्म करो भाई। हटना सो गए, अभी हम चलते हैं। मैं देखती हूँ शामी कबाब मुझे मिल जाए फ्रिज से, पहले शामी कबाब निकालती हूँ। देखते हैं भाई यहाँ तो गोश्त के हो ये रहे मिल गए। ओह माय गॉड तो हम लेंगे इधर। हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ इसी को रखने, इसी को साफ करने के लिए रखा है। फोन पता नहीं वो कपड़ा मार के धो दो एड्डी तू अंग्रेज। ओके गाइस ये मैंने अपना नाश्ता करने के लिए रख दिया है। ये मेरा बन रहा है पराठा जिसमें मैं अभी मंडूंगी अच्छे तरीके से घी, बल्कि मैं सोच रही हूँ घी थोड़ा कम ही लगा लूं। एक तरफ मैं सोच रही थी डाइट करूं बट यार ये मेरे बस की बात नहीं। ओह माय गॉड ये, और ये मैंने अपने लिए गर्म पानी रखा है। ये है शामी कबाब जो कि मैं हूँ ना अभी जल्द से जल्द फ्राई करने लगी हूँ। ये लो मलाइका एक और चम्मच ये भी धो दो। मलाइका मेरी थोड़ा सा वीडियो बना दो, क्लिप ले लो, तो मिनटें करनी पड़ती है, मिनटें कर ले लोगों के पकड़ो। मलाइका बहुत मुशक्कत करते हुए पराठा सड़ रहा है, पकड़ो। ओह माय गॉड गाइस मेरा पराठा सड़ना जाए, नहीं बचत हो गई। चलो ये मेरा हो गया है। शामी कबाब सड़ रहा है उल्टा, हाँ तो बता नहीं सकती तुम, बर्फ बना हुआ है और नीचे से जल गया। अब ये मैं इसका ढक्कन नहीं अभी जुगाड़ पे रखूंगी ताकि थोड़ा सा गल जाए। पानी तो गर्म ही नहीं हुआ कख भी। चलो बस नाश्ता हो गया है जी, डन। ये देखें और बल्ब तो ऑन कर दो ये वाले। माय गॉड इसको यहाँ रख के पहले मैं ऑन करूंगी बल्ब। हाय हाय हम लेकर चलते हैं। वाह तो मैं अभी मुंह धोना याद है। चलें जी। ओके गाइस ये मेरा नाश्ता हो गया डन और मैं आपको दिखाती हूँ ये मुझे रस्ते में निहारी भी मिल गई थी, शामी कबाब पराठा एंड निहारी। अभी हमने खाना ये खाना है तो मेरे बहन भाई के मुंह को सुकून नहीं मिलता आज तो मुझे लिटरली नाश्ते के बगैर ना उल्टी आ रही थी। और ये भाई अभी मलाइका सर्व कर रही है ऑयलिंग। कौन सा ऑयल लगा रही है दिखा दो। कौन सा प्याज का वो, हाँ वो पिछले साल का था खत्म हो गया वो। अच्छा पूछनी थी तुमने क्यों जमा किया।
और लगाने के बाद कॉफी बना देना शराफत को मेरे लिए, बंद ही है कॉफी। हाँ हाँ एवरीडे डालना मैं पीती हूँ। यार ये क्या है, तुमने फिर से दोबारा सब कुछ बिखेर दिया। मेरी ब्रेड भी जल गई। तो तुम अभी नाश्ता तुमने कर तो लिया था? मैंने नाश्ता कब किया बहन? मलाइका छत हो गई। फिर तुम क्या कर रही थी देर से? अच्छा मुझे कॉफी जल्दी दे मलाइका, मैं कह रही हूँ छत पे चल के पीते, बड़ी टेस्ट, ठंडी ठंडी हवा चल रही, सर को लपेट लो वरना कानों में लगेगी जैसे मैंने चादर ऐसे पहन ली। ओके गाइस ये हमारी कॉफी तैयार हो रही है और इस वक्त हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कॉफी छत पे जाके पीनी है। यूं करके डाल दो बस चम्मच के साथ क्या नाप मलाइका कितनी कोई क्या है ये एवरीडे टी व्हाइटनर होता है, खाना नहीं चाहिए ये, बल्कि चाय में भी नहीं डालना चाहिए, कॉफी में भी नहीं, तो मैं मजे के लिए डलवाती हूँ। तो मलाई वाली कॉफी बनाने का तरीका बताएं। कौन सी मलाई वाली? सड़ी हुई ब्रेड बिल्कुल इतना सड़ा दिए जल्दी करो। ओके गाइस अब मैं ना आपको इंस्टेंट क्रीमी कॉफी बनाने का तरीका बताती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे करके ना फेंट फेंट के फेंट फेंट कर इसमें झाग क्रिएट करनी है। ये देखिए कितनी, हट दो दिखा दो कितनी जबरदस्ती झाग क्रिएट होगी। उसके बाद ये जो है हमने रखा हुआ है ये क्या है, क्रीम मलाई। ये मलाई आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली ऐसे मग्स में डाल देनी है, जो जो कप अपने करना है। ज्यादा नहीं डालो भाई। ये किसका, एक कप मेरा है, एक तुम्हारा है, मामा का है। मामा चाय पी, तो फिर मैं नहीं मलाई वाली पीऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी भाई। मैं थोड़ा सा दूसरा कप लाऊंगी, मैं तुम्हें दे देती हूँ। देखो तो जरा, मैंने तो, मैं अब इसको दूसरा कप दे दूं। वाओ मेरी इसमें और ये है मलाई वाली, इसमें डलेगी कॉफी। वाओ और झाग वाली नहीं हुई ना आजकल, देखो मैं क्या करती हूँ यार, कप छोटे कर दिए मैंने, बनाई बड़े कप्स के साथ। तो तुम मम्मा कॉफी क्यों नहीं पी रही? मम्मा वाओ, मम्मा भी कॉफी पी लेना, मम्मा से बोलो। क्यों अब और क्या करना है? रखो इसको, क्या करना है? अच्छा अब ये लास्ट है तरीका झाग का। वाओ फुल कर, क्या बस में इतनी पीऊंगी? आई अब यार जाया, चलो भाई तो क्या जाया होगी, तो पेट काट के डालूंगी। ये देखें गाइस, ये ऐसी बस आपने ना सिर्फ ऐसे फेंट देना है कप में डालने के बाद, और ऐसी छाव वाली मेरी ज्यादा अच्छी बनी है, दिखाओ। हाँ वाकई मैं कर क्यों करूं, तुम गिर ना जाओ। गिर गई बस ना छोड़ना, हर चीज नहीं दिखानी होती, तुम्हारे करते जरूर दिखाना होता है, जल्दी करो चलो। आप जाओ मेरे साथ, जाइए देखो कपड़ा मार दो उसको। मम्मा मलाइका ये एहसान मम्मा पे करने की क्यों जरूरत यार, मैं वही तो मैं बोल रही, तुम अपनी में से डालो जितनी भरी है तुमने। और ये मैंने अपना माइक और ये भी यहीं पर रखा हुआ। चलो मेरी जो तुम्हारे चक्कर में गाइस, ये पहले मैं अपनी मम्मा को कॉफी लेकर आऊं। मम्मा वेयर इज मम्मा, कब से बुला रही हूँ, कॉफी आपकी रेडी हो गई है। गाइस ये मेरी मम्मा ने इस कॉफी के अंदर कोको पाउडर डालकर इसको जरा, कॉफी पाउडर बोल दो नहीं, मैं कोको पाउडर है गाइस सॉरी, पहले ये मलाइका डलवा नहीं रही थी, अब जो है इसने जब मेरी कॉफी की शक्ल देखी तो इसको याद आ गया डलवाना यार। तुम खुद का सर तो लपेट के आते, तेज हवा चल रही है कि तुम्हारी सारे फैशन निकल जाएंगे। ओह माय गॉड, धूप तो बहुत फंसी कि मेरी मम्मा ने जो है धूप में सुखाने के लिए रखी हुई है गंदम, क्योंकि हमारा आटा गंदम का पिसवाने के लिए देना। अब हम एंजॉय करेंगे अपनी कॉफी। और हवा चल रही मेरी चादर। ओके गाइस अभी मैंने चाय पी ली है और अब मैंने जो है ना नमाज असर की पढ़नी, क्योंकि असर की जाने हो रही है। नमाज निकालूंगी जाए नमाज यहाँ से, नमाज पढ़ के फिर उसके बाद जो है मैंने कपड़े प्रेस करने हैं रात को जाने के लिए। चले भाई तो मैं एटलीस्ट मेरे कपड़े ही निकाल दो मलाइका। आई चले गाइस अभी हम सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं। कहाँ से दूध चाय गाइस, कौन इसमें से पता नहीं शुगर फ्री मुझे लग रहा है, कम वाली तुम्हारी, ये लो कम वाली तुम्हारी चाय। ये है मेरी चाय, ये मैंने रजाई दोबारा से खोल दी है और अब हम वापस से बैठेंगे अपनी रजाई में। ओके गाइस अभी हम अपनी चाय गरम गरम